अभी मैं लगाने जा रही हूँ इक्लैट का, इक्लैट सुपीरियर का विटामिन सी इल्यूमाइन स्किन ब्राइटनिंग सीरम। गाइज ये ना स्किन सीरम जो है ना बहुत ही बॉम्ब वर्क करता है, मेरे स्किन में देख सकते हो फर्क। ठीक है, मैं इसे रिसेंटली यूज कर रही हूँ, अराउंड 15 से 20 डेज हो चुके हैं मुझे यूज करते हुए, एंड ये मेरे फेस में ना बहुत ही अच्छा वर्क किया है। एंड अगर आपके भी ना मेरे तरीके के पिंपल्स के दाग, हाइपर पिगमेंटेशन या कुछ ऐसा है तो आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत ही माइल्ड सा इसमें फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा सिट्रेसी टाइप का, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे यूज करने के बाद में। मैं ट्राई कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, मुझे काफी बेनिफिट मिला है, एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज। एंड आप ना इसे यूज कर सकते हो, ले सकते हो इक्लैट सुपीरियर के वेबसाइट से, एंड मेरा कोड यूज कर सकते हो FOI20 फॉर 20% डिस्काउंट, एंड आपको साथ में ना सनस्क्रीन अभी फ्री मिल रहा है, तो आप इसे परचेज कर लेना। ठीक है, एंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए, तो आप प्लीज ट्राई कीजिए। सबसे पहले मैं ये यूज कर रही हूँ, मैं ना फेस धो के आ चुकी थी, एंड उसके बाद मैं अभी यूज कर रही हूँ ये सीरम। अच्छे से स्किन में यू नो मसाज करना है आपको, एंड इसके बाद फिर हम अपना डेली मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। तो मैं मिलती हूँ मॉइस्चराइजर लगाने के बाद में। यहाँ पे पॉन्ड्स का हाइलुरोनिक वाला ग्लो हाइड्रेटिंग विटामिन ई के साथ में मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। ये वन ऑफ द फेवरेट मॉइस्चराइजर है मेरा, एंड मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हो ना तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही लाइट वेटेड है, एंड आपकी स्किन में ना एक अच्छा सा साइन प्रोवाइड करता है। फेस में मॉइस्चराइजिंग करने के बाद ना आपको थोड़ा सा फेस को इस तरीके से ड्राई कर लेना है। मेरे पास छोटा सा फैन है, मैं इससे अपने फेस को ना हल्का सा ड्राई अप कर ले रही हूँ। बहुत ज्यादा पोर्स यहाँ पे ओपन है ना, तो ऑयल एंड बहुत ज्यादा हुआ था, तो मैं यूज करूंगी प्राइमर जो कि है सिलिकॉन बेस का, एंड वो मैं यूज कर रही हूँ कलर बार का प्राइमर। इसका पहले वाला बहुत ज्यादा वो तो खत्म हो चुका, एंड अभी हम ये लेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ ना इसका ब्लरिंग इफेक्ट रेट। मैं यहाँ पे हाफ फेस में पहले से लगा रही हूँ। ठीक है, आप देखना जो साइन आपको फेस में मेरा दिख रहा है ना, वो इंस्टेंट तरीके से आप देखना मैटिफाइंग हो जाएगा। देखें जो इधर मैंने अप्लाई किया है ये ना बहुत ही अच्छे से आपको स्किन को वो ब्लरिंग इफेक्ट दे देता है। फेस को मैंने यहाँ पे प्राइम अप कर लिया है, एंड प्राइम अप करने के बाद में आप फेस को करेक्शन करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर ले रही हूँ, फोटो फोकस कंसीलर है ये, और ये है इन द शेड मीडियम डीप टू टैन, एंड ये ना काफी अच्छा सूट करता है मुझे मेरी यू नो हाइड करने के लिए पिगमेंटेशन को। आप देख लो, मैं यहाँ पे इसे ले करके जहां जहां पे आप देख रहे हो मेरा मार्क वगैरह, या फिर जहां पे मुझे पिगमेंटेशन या कुछ मेरे फेस में अनइवननेस है, तो वहां लेकर के ना मैं इसे कंसील कर लूंगी। इसे मैं बहुत लाइट वेटेड हैंड से ब्लेंड कर लूंगी अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो काफी सीमलेस तरीके से ना ये ब्लेंड हो जाता है। तो मैं सबसे पहले बेस क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ना स्विस ब्यूटी का ले रही हूँ कंसीलर, ये भी है इन द सेड, ये वार्म सैंड है जहां तक मुझे आइडिया है, क्योंकि उसी से मैं अपने जो है ना अंडर आईज वाले या आई वाले एरिया को करेक्ट करती हूँ, और ये मेरे पे बहुत अच्छे से सूट करता है। तो मैं ऐसे लेकर के अच्छे से ना डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करके इवन आउट कर लूंगी, क्योंकि मेरी जो है ना काफी ज्यादा पिगमेंटेड आईलिड्स हो गए हैं फिलहाल, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि नजर आए। दिस इज सो बॉम गाइज। अगर आपको एक अच्छा कंसीलर चाहिए ना अंडर बजट, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू स्विस ब्यूटी वन। ये ना हाई एंड ब्रांड को ही पीछे छोड़ देता है, जो कि मुझे काफी पर्सनली पसंद है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस। नया फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ जो कि है फेसेस कनाडा की तरफ से, यहाँ पे स्टिकर लगा है। ठीक है, इसका फेसेस कनाडा है, एंड ये है 3-in-1 फाउंडेशन मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन के साथ ही आता है, एंड काफी अच्छा फाउंडेशन है एंड मैटिफाइंग है। तो मैं इसमें ना थोड़ा सा यूज करने वाली हूँ मेरा मेबलिन का पाउडर फिटमी का, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट में निकाल रही हूँ। ऑल्दो इट इज अ मैट फाउंडेशन, बट मेरा जितना स्किन ऑयली है ना, सो आई बेटर, मतलब मैं ना रिकमेंड करती हूँ कि थोड़ा सा पाउडर वाउडर मिक्स करी ही। तो यहाँ पे मैं मेबलिन फिटमी की तरफ से आया हुआ जो पाउडर है ना वो मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा ले करके, एंड यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जो पाउडर मैं यूज कर रही हूँ ना वो है इन द शेड टैन करके, तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन वाले ब्रश से कर रही हूँ, एंड आई विल जस्ट अप्लाई ऑन माई फेस इस फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से अच्छे से इसे अप्लाई कर लूंगी, एंड इसे मैं ब्लेंड आउट कर लूंगी। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कंसीलर का जरूरत पड़ेगा, जो इतना अच्छा यू नो कवरेज दे रहा है ये, एंड वो भी फाउंडेशन ब्रश से, विच इज यू नो बहुत ही मस्त वाला चीज। लुक लुक एट द कवरेज ये दे रहा है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कफिल लैसेस का ब्लश ऑन, जो कि है मैनिफेस्ट 07
जो कि काफी सुंदर सा स्ट्रॉबेरी पिंक शेड का है विच आई लव, तो मैं यहाँ पे उसे लगा रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा ना समर वाइब वाला लुक देना है, थोड़ा सा पीची अंडरटोन टाइप का मेकअप, तो मैं यहाँ पे इसे यूज कर रही हूँ एंड आई जस्ट नो ब्लेंड दिस अप क्योंकि ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा तो मुझे इसे जल्दी जल्दी ब्लेंड करना होगा। फेस को कंट्रोल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर का कंट्रोल वाला पाउडर एंड आपको बहुत ज्यादा गर्जन सुनाई दे रहा होगा बाहर में क्योंकि बारिश होने की संभावना तो लग रही है कुछ बहुत, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना फेस को कंट्रोल कर ले रही हूँ एंड फिर हम अपने फेस को ना सेट करेंगे सेटिंग पाउडर के हेल्प से क्योंकि आईज को थोड़ा और कवरेज देने के लिए मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज कर रही हूँ एंड इससे मैं अपने आईलिड वाले एरिया में अप्लाई करूंगी अच्छे तरीके से क्योंकि हमें अब आई मेकअप अपनाना स्टार्ट करना है। तो चलिए इसे ब्लेंड कर लेंगे हम छोटू सा डैम सा ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से एंड अच्छे से ना कवरेज प्रोवाइड कर देंगे। ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ यहाँ पे अपने ब्रॉज को फिल इन करने के लिए, तो फ्रॉम कॉर्नर हम एक एंगल बनाएंगे एंड वी विल एक्सटेंड इट। सो मैं यहाँ पे ना सुगर का ले रही हूँ स्टीवर सीक्रेट का मैट लिपस्टिक जो कि है सैटन स्कारलेट, बहुत ही अच्छा सा रेड कलर, वाइब्रेंट सा रेड कलर है। इसे ना मैं बना रही हूँ लाइनर यानी कि बहुत ही पतला सा मैंने ब्रश लिया है यहाँ पे एंड इससे मैं क्रिएट करूंगी एक अच्छा सा हेलो आई वाला लुक। तो मैं ना इसको एज अ लाइनर यूज करने वाली हूँ मेरे आईज में एंड आपको बहुत ही प्रिसाइज रहना है गाइज क्योंकि इसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्सटेंडिंग फ्रॉम माई कॉर्नर, ठीक है, कुछ इस तरीके से लाइनर क्रिएट करना है। यहाँ पे कुछ स्पेस में छोड़ रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग बैक एंड फिर अपने ना आईलिड के पास से एज अ लाइनर इसे मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लाइनर हमें क्रिएट करना है एंड यहाँ पे फॉर एवर फ्रूट पाई फिलिंग आई शेडो पैलेट से यू कैन बी की तरफ से जो है उससे मैं ना ये ब्राइट मैंगो शेड पिक कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा सा शेड है। मैं इसे आई शेडो में पिक करके ना अभी जो मेरा हॉलो एरिया है वहां पे इसे प्रेस करके अप्लाई करूंगी तो ये काफी समर वाइब देगा एंड बहुत ब्राइट कलर हम यूज कर रहे हैं एकदम ब्राइट येलो एंड मैं यहाँ पे इसे प्लेस करते जाऊंगी। मैं थोड़ा सा जो मैंगो आई शेडो पैलेट से मैंगो जो शेड है ना जो हमने अपने लिड में अप्लाई किया उससे मैं थोड़ा थोड़ा लेकर के आप देख सकते हैं मैं कॉर्नर्स में ना इंटेंसिफाई कर रही हूँ। यहाँ पे है हमारे पास कफन लैशेस का व्हाइट आई लैशेस, इसको हल्का सा शेड कर लेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा छोटू सा एरिया छोड़े है ना हम लोग वहां पे हमें बनाना है क्यूट सा छोटा छोटा फ्लावर जो कि विंडो खुला था इग्नोर दैट, तो यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स बनाना है तो कुछ इस तरीके से हम ना फ्लावर्स बना लेंगे इसमें। जो अच्छा लगेगा मैं उस टाइप का ही बनाऊंगी। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स लेके फ्लावर मैं इस कॉर्नर में बनाऊंगी जो यहाँ पे सिमिलर जैसे आपने फॉलो किया ना उसी तरीके से छोटे छोटे डॉट्स लेके लोअर आईलैशेस में ना हम एन वाई बे का काजल लगा रहे हैं जो कि है व्हाइट काजल, बहुत ही स्लीक सा एंड पतला सा व्हाइट काजल हमें लगाना है, इसको हाईलाइट करना है ना, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ग्लैम 21 का हाईलाइटर यूज कर रही हूँ जो बहुत ही अच्छा सा ना पिंकिश शेप का हाईलाइटर है, तो मैं जल्दी से इसे हाईलाइट कर लेती हूँ देन वी विल अप्लाई आवर छोटे से फ्लावर है यहाँ पे देन आवर आई जो है ना आई मेकअप जो है ना हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा। ये ना बहुत सुंदर सा यू नो पिंकिश शेड का कलर है जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, मैं यहाँ पे खोज रही हूँ डालने के लिए, चलो मैं डालती हूँ इसे।
हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ग्लैम 21 का हाईलाइटर, जो कि फेस्ड इल्यूमिनेटिंग हाईलाइटिंग हाईलाइटर है। बहुत ही सुंदर सा हाईलाइट है गाइस, एंड मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ मेरे फेस में। देख सकते हो ग्लो, बहुत सुंदर सा ग्लो देता है ये फेस में, पिंकी। फेस हाईलाइट हो गया है। अब मैं ना यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर बनाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ मस्कारा यूज करने, जो कि है यहाँ पे वॉल्यूम हाइपरकर्ल। मैं दूसरा यूज करना चाहूंगी फॉर अदर ऑप्शन। वेट, मेरे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हाइपरकर्ल मस्कारा, एंड इसे अपने आईलैशेस को यू नो कर्ल कर लेना है। बाहर में बारिश शुरू हो गया है गाइस, एंड मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। बारिश में मेकअप करने का मजा ही कुछ और है, एंजॉय इट। सो आई मेकअप हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। अभी मैं लगाने जा रही हूँ लिप कलर। यहाँ पे मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का जो लिप पैलेट है वो, उसमें से मैं शेड पिक कर रही हूँ। सबसे पहले ना मैं ग्रेडियंट ले रही हूँ डार्क कलर से अंदर, सॉरी अंदर नहीं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ना शॉर्ट ऑफ ब्राउन कलर, ये वाला जो शेड है ना, ये ब्राउनिश कलर है, उसे मैं ले रही हूँ। एंड इसे मैं अप्लाई करूंगी मेरे लिप्स के आउटिंग लाइन पे। बहुत सॉफ्ट, अच्छा सा, सुंदर सा। एंड इसके साथ में ना मैं इन फिल इन करने वाली हूँ शॉर्ट ऑफ पिंक अंडरटोन का एक लिपस्टिक, जो कि स्ट्रॉबेरी पिंक साइड का शेड है। थोड़ा सा समर टाइप का लुक आना चाहिए, तो अंदर हम पिंक फिल इन करेंगे, जो कि काफी क्यूट लग रहा है। ये आप देख लो, इसी पैलेट से ना मैं ये पिंक शेड पिक कर रही हूँ। ये बहुत सॉफ्ट सा स्ट्रॉबेरी कलर है। लिपस्टिक के साथ तो थोड़ा सा गेम करते हैं, ठीक है। आई शेडो पैलेट में ना ये रास्पबेरी करके एक शेड है, मैं इसको अपने फिंगर टिप्स में ले रही हूँ, एंड इसे मैं ना इनर में अप्लाई कर रही हूँ। सब देख सकते हो काफी डिसेंट सा कलर आ गया। आई एम लविंग द प्लमिंग लुक। तो यहाँ पे मेरा एक आंख कम्प्लीट हो गया है। मैं अब अपना हेयर एंड दूसरा आंख भी कम्प्लीट करके आपसे जल्दी मिलती हूँ। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज, ये रहा हमारा आज का आई लुक। आई होप कि आपको आज का लुक अच्छा लगा होगा एंड आपको सीखे होगे। अगर आप सीखे हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड और भी मुझे रिकमेंड करो कि मुझे और कैसे कैसे वीडियोज क्रिएट करने चाहिए। मुझे ये लुक काफी मस्त लग रहा है, क्योंकि समर को माइंड में रखते हुए मैंने सॉर्ट ऑफ ब्लॉसम एंड येलो टोन में कुछ ऐसा मेकअप क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो मैं और भी न्यू वीडियोज लाऊंगी आपके लिए, एंड इसके फोटोज देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम का फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं फोटोज डालती हूँ। एंड डू रिकमेंड करना अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं मेकअप लुक या वीडियोज क्रिएट करूँ आपके लिए, तो मुझे कमेंट कर देना एंड लुक मुझे सेंड कर देना कि ये क्रिएट करो वो क्रिएट करो, मैं क्रिएट करूंगी आपके लिए। एंड ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड मिलती हूँ आपके साथ में अपने अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू एंड बाय बाय।